कि किंगडम प्लांटे को आप क्लासिफाई करते हो, ठीक है, किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हो? टिश्यू डिफरेंसिएशन पे, कि टिश्यूज प्रेजेंट है या नहीं है बॉडी में, अलग अलग स्पेशलाइजेशन डिफरेंसिएशन है या नहीं है। डिफरेंसिएशन माने स्पेशलाइजेशन। जिनके पास है उनको हमने बोला एम्ब्रियोफाइटा, जिनके पास स्पेशलाइज टिश्यू नहीं है उनको हमने बोला थैलोफाइटा। उसमें क्या आते हैं आपके एल्गे, सीवीज, ग्रीन एल्गा, रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा, ठीक है। अब इसके ऊपर दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एल्गे की बॉडी में टिश्यूज नहीं है, आप उनके अंदर पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा नहीं देखोगे, उनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, उनके पास ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होगा। एल्गे थैलोइड बॉडी वाले होते हैं। ये तीन वर्ड्स पे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये तीनों पता होने चाहिए, ठीक है। फिर जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, जिनके पास टिश्यूज होते हैं, उनको हमने एम्ब्रियोफाइटा बोला। उनको हम फर्दर कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्या क्राइटेरिया चूज करते हैं? हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यूज चूज करते हैं, किन्हीं के पास है, किसी के पास नहीं है। जिनके पास नहीं है वो कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन मार्क। नॉन वैस्कुलर प्लांट्स कौन से हैं? आपके ब्रायोफाइट, ठीक है। आप एल्गे को नहीं बोलोगे नॉन वैस्कुलर क्योंकि उसके पास तो कोई भी टिश्यू नहीं है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के पास टिश्यूज है बट इन स्पेसिफिक वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, इसलिए हम उनको नॉन वैस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। आपके ब्रायोफाइट्स, जिनको आप कॉमनली मॉसेस बोलते हो, इनकी बॉडी स्लाइटली डिफरेंशिएटेड होती है एल्गे से, बट ट्रू रूट स्टेम लीफ इनके पास भी नहीं होता, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है, बट फिर भी ये थोड़े से ज्यादा डिफरेंशिएटेड है देन एल्गे। अब जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कि उनके पास ट्यूब्स हैं खाना और पानी कंडक्ट करने के लिए, ट्यूब के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रेकिया, उनको हम ट्रेकियोफाइटा बोलते हैं। तो ये ट्रेकियोफाइटा हो गए, ठीक है। इनमें कौन आते हैं? इनके अंदर आते हैं, हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीड, ऐसे वैस्कुलर टिश्यू कंटेन करने वाले प्लांट जिनके पास सीड है और जिनके पास सीड नहीं है, ठीक है। दोज विच हैव वैस्कुलर टिश्यू बट लैक सीड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन मार्क। सीड लेस वैस्कुलर प्लांट्स, विच ग्रुप ऑफ या विच डिविजन ऑफ प्लांटे हैज सीड लेस वैस्कुलर प्लांट्स? यू आर टेरिडोफाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सीड लेस वैस्कुलर आर टेरिडोफाइट्स। विच वंस आर दोज विच हैव वैस्कुलर टिश्यू बट लैक सीड? टेरिडोफाइट्स, क्लियर। So, what is the difference between bryophyte and pteridophyte? That bryophytes and pteridophytes both do not produce seed, and bryophytes lack vascular tissue, pteridophytes form or have vascular tissue. ठीक है, pteridophytes को mostly ferns बोलते हैं। अब जो seed बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? The word seed comes from the Greek origin sperma. तो उनको हम स्पर्मेटोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जिनके पास कवर्ड सीड्स है उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, जिनके पास अनकवर्ड सीड्स है, नेकेड सीड्स है, उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन? वी हैव फोर क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ब्रॉडली डिविजन्स पढ़ने के लिए। पहला टिश्यू डिफरेंशिएशन, जिसकी बॉडी थैलोइड है वो थैलोफाइट है। जिनके पास टिश्यूज है उनको फिर किस पे क्लासिफाई किया? वैस्कुलर टिश्यू। एब्सेंट वाले ब्रायोफाइट है, प्रेजेंट वालों को फिर फर्दर क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सीड। जिनमें सीड नहीं है, सीड लेस वैस्कुलर प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स, और जिनके पास है उनको फर्दर क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सीड कवर, which is formed by, very very important, your fruit, which is formed by ovary. तो जिनके पास ओवरी होगी वो सीड कवर बनाएंगे, राइट, एंड दे विल हैव कवर्ड सीड्स विच आर एंजियोस्पर्म्स। इफ जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव सीड कवर, डू नॉट हैव फ्रूट, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव ओवरी, स्टार क्वेश्चन मार्क। सिंस जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव ओवरी, दे डू नॉट हैव कवर्ड सीड्स, दे हैव नेकेड सीड्स। नेकेड सीड प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स, line of NCERT multiple times asked question, which plant division has
नेकेड सीड्स, जिम्नोस्पर्म्स, जिनमें आपके कॉनिफर्स और पाइन और जिंको आता है, लिविंग फॉसिल, ठीक है। एंड लास्टली जो आपके एंजियोस्पर्म्स है उनको आप किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हो, आपके कॉटिलिडॉन उनका नंबर। सो यू शुड नो व्हाट इज अ कॉटिलिडॉन। कॉटिलिडॉन आर एम्ब्रियोनल लीव्स, दे स्टोर फूड, दे आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, एंड देर कैन बी वन कॉटिलिडॉन मोनोकॉट्स विच इज कॉल्ड स्कुटेलम, और दे कैन बी टू कॉटिलिडॉन्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स विच आर क्लासिफाइड अंडर डाइकॉटिलिडॉन्स और डाइकॉट प्लांट्स, योर पी बीन, क्लियर।